देश दुनिया में कोरोना का खतरा, भारत में 11 दिन में ओमिक्रॉन के 11 सब वेरियंट मिले। दिसंबर में 40% चीनी हुए थे संक्रमित। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में अलर्ट। इन देशों में भी संक्रमण फैलने का खतरा। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 11 आतंकियों को ढेर किया। वजीरिस्तान में सर्च ऑपरेशन के दौरान कमांडर हजीफुल्ला तोरे भी मारे गए। अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटी बंद, छिपकर ऑनलाइन पढ़ा रहे टीचर। अफगान लड़कियां बोली, तालिबान ने हमारे लिए एक ही काम छोड़ा, बच्चे पैदा करो और पालो। ट्विटर से 20 करोड़ यूजर्स के ईमेल एड्रेस लीक, सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल। पिछले हफ्ते 40 करोड़ लोगों का डेटा चोरी हुआ था। इराक में लड़की से बदसुलीकी का वीडियो वायरल, बाइक रेस में पुरुषों ने घेरा, मारी लात। मामले में पुलिस ने 16 लोगों को किया गिरफ्तार। दुनिया में जंग से लाखों अनाथ, रूस और यूक्रेन के युद्ध में 13,000 बच्चे अगवा किए गए, सामुलिया ने मासूम हथियार उठाने को मजबूर। लश्कर के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ पर बैन, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की कई घटनाओं में शामिल, इनके कमांडर आतंकी घोषित। समूह शिखर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, नहीं बनेगा टूरिस्ट प्लेस, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो। रीवा में ट्रेनी विमान क्रैश, एक पायलट की मौत, पहले पेड़ फिर मंदिर के शिखर से टकराया, लोग दहशत से घर से बाहर निकले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 7 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरा, आकांक्षी जिलों के बहाने देंगे सियासी बूस्टर, कोरबा में जनसभा, कोर ग्रुप की बैठक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बड़ा आरोप, केंद्र सरकार 81 करोड़ भारतीयों के राशन में मार रही 50% की डंडी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले सैकड़ों लोगों ने थामा कांग्रेस का दामन, बिलासपुर में मोहन मरकाम ने दिलाई पार्टी की सदस्यता, पार्टी के कई नेता रहे मौजूद। ऑटो चालक की बेटी बनी अग्निवीर, दुर्ग की हिशा बघेल का नेवी में चयन, कैंसर से जूझ रहे पिता ने ऑटो बेचकर पढ़ाया बेटी को। छत्तीसगढ़ में मिला कोरोना का नया वेरिएंट, यूके से आई थी एक महिला, एक्सपर्ट्स का दावा ज्यादा घातक नहीं है नया वेरिएंट।